हर किसी का एक सच्चा दोस्त होता है और तुम्हारा भी होगा। यह एक ऐसा कहानी है जो दोस्ती का असली मतलब बताता है। एक गांव में सौरभ और साहिल नाम के दो दोस्त रहते थे। वे बचपन से ही अच्छे मित्र थे और हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। वे दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले बहुत भीड़ था। दोनों मेले में घूम रहे थे, तब अचानक साहिल को एक बहुत सुंदर खिलौना दिखाई दिया। उसने तुरंत उस खिलौने को खरीदने का सोचा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सौरभ से मदद मांगी। सौरभ ने कहा, साहिल, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वह खिलौना खरीद सकूं। साहिल ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी। सौरभ ने समझाया, दोस्ती का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता। असली दोस्ती तब होती है जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हैं। साहिल ने सोचा और उसे सौरभ की बात समझ में आ गई। उसने सौरभ से माफी मांगी और दोनों ने मिलकर मेले का आनंद लिया। वापस लौटते समय साहिल ने महसूस किया कि असली खुशी तो दोस्ती के साथ बिताए समय में है, न कि किसी खिलौने में। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी सभी नई कहानियां सबसे पहले सुन सकें। अपना नाम कमेंट करें ताकि अगला कहानी आपके नाम। असली दोस्ती का मतलब सिर्फ भौतिक सहायता नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझना और बिना स्वार्थ के मदद करना है।